दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बदलापुर और दृश्यम फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म ने बाजी मारी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं बदलापुर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बदलापुर सन 2015 में आई एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी, यामी गौतम, दिव्या दत्ता, विनय पाठक, राधिका आप्टे, अश्विनी कलसेकर, मुरली शर्मा, प्रतिमा काजमी, जाकिर हुसैन और कुमुद मिश्रा नजर आए थे। इस फिल्म को श्री राम राघवन ने डायरेक्ट किया था, से प्रोड्यूस किया था दिनेश विजान और सुनील लुल्ला ने। इस फिल्म की कहानी मसीमो कार्लोटो ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग श्री राम राघवन, पूजा लदा सुरती और अरिजीत विश्वास ने लिखे थे। इस फिल्म के लिए म्यूजिक सचिन जिगर ने दिए थे और इसके लिरिक्स प्रिया सरैया और दिनेश विजान ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 1700 स्क्रीन के साथ 20 फरवरी सन 2015 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 27 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 50 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 6 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 36 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 80 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 7.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2015 की 20वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं दृश्यम फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दृश्यम सन 2015 में आई एक क्राइम मिस्ट्री ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, कमलेश सावंत, रजत कपूर, प्रथमेश परब और ऋषभ चड्ढा नजर आए थे। इस फिल्म को निशिकांत कमत ने डायरेक्ट किया था, से प्रोड्यूस किया था कुमार मंगत पाठक, अजीत अंधेरे और अभिषेक पाठक ने। इस फिल्म की कहानी जीतू जोशी ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स उपेंद्र सिधाए ने लिखे थे। इस फिल्म के लिए म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने दिए थे और इसके लिरिक्स गुलजार ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 2250 स्क्रीन्स के साथ 31 जुलाई सन 2015 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 62 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 68 करोड़ 66 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 5 करोड़ 87 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 39 करोड़ 97 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 111 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 8.2 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2015 की 15th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में से अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम ने बाजी मारी थी। वैसे दोस्तों, आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।